हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रवा ढोकला बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए हमने एक कप रवा लिया है, एक कप दही, छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक, एक छोटा नींबू का रस, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और ये कड़ी पत्ता और राई जो हम बाद में बघारेंगे। अब हम इसका मिश्रण तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सूजी ली, सूजी या रवा, दही, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब एक छोटी 1/4 की हल्दी लेते हैं, नमक स्वाद के अनुसार, नींबू का रस, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक काट के रखी थी जो हमने, अब अच्छे से मिक्स करते हैं। और तेल लेंगे, 4 टीस्पून डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे, घोल हमारा पकौड़े के घोल के जैसा होना चाहिए। अच्छे से मिक्स करके हम इसको 20 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि रवा अच्छे से फूल जाए। 20 मिनट हो गए हैं, ये देखिए अभी ये गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम और पानी मिक्स कर सकते हैं। ढोकला बनाने के लिए हमने ये बर्तन ले लिया है, इसमें हमने 1.5 कप पानी डाला है, इसको हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। अगर आपके पास ढोकला का बर्तन या इडली का हो तो उसमें भी बना सकते हैं। ये हमने एक प्लेट ले ली है, अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। लास्ट में हम ढोकले के पेस्ट में इनो सॉल्ट मिलाते हैं, ये आधी छोटी चम्मच इनो सॉल्ट। इसको थोड़ी देर ऐसे मिक्स करते हैं, इसको ज्यादा नहीं चलाना है। ये देखिए फ्लफी हो रहा है पेस्ट। अब इसको हम सांचे में डालते हैं। पानी हमारा खौलने लगा है, अब हम इसमें एक स्टैंड लेते हैं, कोई भी आपके पास जाली या स्टैंड हो इसमें से रख देते हैं। फिर हम ढोकले का पेस्ट इसको ढक कर 20 मिनट आप इसको पका लें। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये ढोकला तैयार हो गया, चाकू डालकर थोड़ा सा चेक कर लेंगे। बस अब ठंडा होने पर हम इसको निकाल लेते हैं। ढोकला तैयार हो गया, अब हम इसको पीस काट लें अपने मनपसंद के, छोटे बड़े जैसे। अब हम ढोकले को बघार लेते हैं। हमने पैन में तेल लिया है, थोड़ा सा राई डालेंगे, राई को चटका लिया, लाल मिर्च थोड़ी बड़ी बड़ी काटी है, और कड़ी पत्ता। अब ढोकले को बघार लगा लेते हैं। ढोकला तैयार है, आप अपनी मनपसंद की चटनी हरी धनिया की या मीठी वाली किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बना है, आप भी बनाइए, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।